ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है वो हमने पढ़ रखा है। जैसे गॉस ने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं उसका एक फार्मूला बताया, क्लोज इंटीग्रल वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। ये देखिए बेसिक फार्मूला, क्लोज इंटीग्रल वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग ट्राई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आ रहा है, द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। दिस एल, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। क्यूब के सेंटर में चार्ज है, कितना है क्यूब, चार्ज क्यू है और उसकी लेंथ क्या है एल, साइड सभी एल। What is the electric flux passing through each face of the cube? तो उस cube के each face से, प्रत्येक face से कितने सारे electric flux link हो रहे हैं, passing through उसे pass कर रहे हैं, link हो रहे हैं। देखिए उसके लिए क्या है कि उसके लिए पहले हम cube बनाते हैं। ये हमारे पास है cube, हमने cube को draw किया। और बोला जाता है कि सभी की लेंथ क्या है L, ये लेंथ L है, अगर हम कोई भी लेंथ लेंगे तो सभी क्या है L है ये। और इसके सेंटर में, यहां पर मान लीजिए इसके अंदर एक सेंटर है और उस सेंटर पे चार्ज क्या रखा है Q, यहां पर चार्ज Q रखा है। जब भी कोई चार्ज होता है तो वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं और अगर वो सरफेस से क्लोज है तो सरफेस से टकरा जाए, लिंक हो, ये हम बेसिक बात पता है। तो बोला जाता है कि अगर यहाँ पर सेंटर में चार्ज रखा गया है इस क्यूब के अंदर में और क्यूब के जो सभी साइड जो लेंथ है वो L, 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 ये सभी इसके लेंथ है, तो बोला जाए कि इसके प्रत्येक ईच फेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के प्रत्येक सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे पास करेंगे। तो जैसा हमने पढ़ रखा है कि किसी सरफेस के अंदर में जो चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल कितने लिंक होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू उस सरफेस के अंदर रखा चार्ज, एप्सिलॉन नॉट विद द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो यहां पर ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक सरफेस, ईच सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं या पास कर रहे हैं, प्रत्येक सरफेस से निकालना है, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं क्या क्या बोलते हैं, वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद सरफेस, ये हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q is divided by epsilon total। लेकिन ये चार्ज हमारा कहाँ बैठा है, सेंटर पर। तो अगर सेंटर पे है तो सभी सरफेस से इक्वल सभी फेस से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होते होंगे, पास करते होंगे। तो हमें पहले ये देखना है कि टोटल कितने इस पे फेस हैं। तो अगर आप क्यूब को देखते हैं, इस क्यूब में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल इसमें 6 फेस होता है, क्यूब के अंदर में टोटल 6 फेस है। और हमें निकालना है कि एक फेस से, ईच फेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, टोटल को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर टोटल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद सरफेस इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सिंस क्यू इज प्लेस्ड इज एट द सेंटर, क्यू कहां बैठा हुआ है, सेंटर पर, ये लिख सकते हैं क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, क्यू हमारा सेंटर पर है, देयरफॉर नंबर ऑफ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर बोल सकते देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ईच फेस कितने हो जाएंगे, तो 1/6 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 से क्यों डिवाइड किया गया, तो 6 से डिवाइड करने का कारण ये है क्योंकि इसमें टोटल जो फेस है वो 6 है और हमें ईच से निकालना, यानी कि 1 से निकालना है, तो आपको 1 से निकालेंगे उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है कि प्रत्येक सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होते हैं या पास करते हैं, तो जितने टोटल होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ इसके फेस से डिवाइड कर देंगे, ये प्रोसेस है। और ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन इज 1/6 क्यू इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये हमारा पहला क्वेश्चन
सॉल्व हो गया है। अब हम जरा सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, कहता है क्या, अ पॉइंट चार्ज ऑफ टू माइक्रोकुलम म्यू सी इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब गॉसियन सरफेस, यानी कि जो गॉसियन सरफेस का शेप है वो भी एक क्यूब के जैसा है। अभी हमने क्यूब देखा, तो वो जो गॉसियन सरफेस वो एक क्यूब के जैसा है और ए पॉइंट चार्ज टू माइक्रोकुलम इज एज एट द सेंटर, उस गॉसियन सरफेस के सेंटर में टू माइक्रोकुलम चार्ज रखा गया है। पिछले क्वेश्चन में क्यू चार्ज था, अभी वैल्यू दिया हुआ टू माइक्रोकुलम, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस गॉसियन सरफेस, और दिया हुआ नाइन सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब हमारे पास, ये हम बना रहे हैं क्यूब, तो ऐसे मिलाया, तो ऐसे मिलाया, तो ये हमारे पास एक क्यूब हो गया। पॉइंट चार्ज ऑफ टू माइक्रोकुलम, इसके सेंटर में यहां पर टू माइक्रोकुलम चार्ज रखा गया है, सेंटर टू माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर, इसके जो सारे एज है वो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, सब 9 सेंटीमीटर एज, नेट इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द सरफेस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से लिंक हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम बोले थे ईच फेस पे कितने लिंक हुए, तो वहां हमने 6 से डिवाइड किया, यहां आपको टोटल निकालना है कि टोटल फेस से टोटल कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर q का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 8.85 × 10⁻¹². तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर टोटल, यहां पे गिवन क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, दैट इज 2 × 10⁻¹ कूलम, ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। टोटल फ्लक्स लिंक विद सरफेस, टोटल फ्लक्स लिंक विद सरफेस, तो अगर आप टोटल फ्लक्स आप निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, क्यूब इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यूब की वैल्यू क्या है 2 माइक्रो कूलम 2 × 10⁻¹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो जैसे ये है यहाँ पर 2 और ये डबल जीरो ऊपर गया, यहाँ पे जाएगा 885 और ये हो जाता है 10⁻⁶ + 12, ये हो जाता है कितना 6, तो हम यहाँ पर ये 200 885 एक जीरो इससे लेते हैं, ये क्या हो जाता है 2000 ÷ 885 × 10⁻¹, ये हो जाता है हमारे पास 5 × 2, अगर हम अगर सॉल्व करेंगे 2.26, ये हो जाता है 2.26 × 10⁻¹5, आप इसको सॉल्व करके देख लेते कितना आता है। ये हमारे पास ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करके उसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना है 2.26 × 10⁻¹5, और इसका यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, फ्लक्स का जो हमारा यूनिट के लिए, इसी यूनिट के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते थे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अचल, ये इसका फॉर्मूला था E × A, इसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था EA, E का फॉर्मूला होता था फोर्स बाय चार्ज और ये एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, पर कूलम दिया जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, ओके इसको नोट कीजिए। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अ पॉइंट चार्ज ऑफ +10 μC इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, पिक्चर बना सकते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर, और बोला कि उसके पॉइंट चार्ज 10
माइक्रो कूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर का यहां सेंटर और इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर में 10 माइक्रो कूलम चार्ज आता है। जैसे ये अगर सेंटर है तो इससे ऊपर, अब हम इसको ऐसे तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो इसके ऊपर यहां पर मान लीजिए 10+10 माइक्रो कूलम चार्ज रखा गया है और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 डायरेक्टली अब ऊपर सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो साइड्स 10 सेंटीमीटर। इसकी जो सारे साइड्स हैं जो सब इक्वल होंगे सब 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होंगे। जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे तो इस सरफेस से कितने लिंक होंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले इस सरफेस को हम पैक करते हैं, सॉरी चार्ज को हम पैक करते हैं, उसके लिए हम सरफेस को एज्यूम करते हैं। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, तो ये इसका जो एक सरफेस बनेगा जिसका ये चार्ज रहेगा वो एक गॉसियन सरफेस, उसका जो साइज होगा वो एक क्यूब के जैसे होगा। जैसे हमने बताया ये एक हमने क्यूब एज्यूम किया इस तरह से, ये क्यूब हमने एज्यूम किया ये क्यूब एज्यूम किया, जरा समझिए कोशिश कीजिए। तो ये जो हमारा पार्ट है वो ये पार्ट नीचे वाला पार्ट इस तरह से, ये नीचे वाला पार्ट है और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर चार्ज को यहां रखा गया है 5 सेंटीमीटर और ये जो है 10 सेंटीमीटर, ये सभी 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट होगी वो भी 10 सेंटीमीटर, सभी 10 सेंटीमीटर है। तो इस पे आप जरा ध्यान लगाइए कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, हमने 5 सेंटीमीटर पर ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज को रखा है, इसका मतलब साफ है कि हमने सेंटर पर चार्ज को रखा है 10 माइक्रो कूलम चार्ज। अगर हमने पूरे समय गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसका शेप एक क्यूब के जैसा होगा, तो अगर आप यहाँ पर ये 10 और 5 को ध्यान दें, ये अगर सब बेस 10 है तो हाइट भी 10 होगा और हमने 5 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा गया है, दैट इज द चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। और ये क्वेश्चन और हमें बताना है कि इस चार्ज के कारण इस सर्फेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया जिसे बोला था ईच सर्फेस में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हो रहे हैं ईच सर्फेस, और हमें क्या निकालना है इस नीचे के सर्फेस पे। तो ये बिल्कुल हमारा पिछला क्वेश्चन यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया और उसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पर जो क्यूब है उसकी वैल्यू आ गई हुई है 10 माइक्रो कूलम, उसके अलावा 6 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². तो ये हमें याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है उसी बेस पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने इस बेस को मानते हुए हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आपको उसके लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ गॉसियन सरफेस इट्स शेप इज लाइक अ क्यूब एंड इसके टोटल 6 फेस होते हैं, तो आपको एक फेस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने हैं कितने लिंक हो रहे हैं वो आपको निकालना है। तो लिखेंगे क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, लिंक विद सरफेस ऑफ स्क्वायर यानी कि एक पार्ट। तो ये कितना आपको फॉर्मूला बताया गया था, इसका फॉर्मूला था 1/6 × Q/ε0, ये हमने फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/6 क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10⁻¹⁶ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस स्क्वायर के सरफेस से लिंक होगा और उसको मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ऊपर में 10⁻¹ और ये 10⁻⁵ और ये +12 +7 दैट इज 10⁻⁷। ये देखिए -5 + 12 क्या हो जाता है 7 और यहाँ पर नीचे क्या होता है 1/6 × 8.85। तो आप जब सॉल्व करेंगे ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100 × 10⁷, नीचे 6 × 885, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 × 10⁷
और 6 इंटू ये हो जाता है 5310 5310 ओके 5310। तो अगर हमारा ये जितना वैल्यू उससे इसको बड़ा होना पड़ेगा, तो इसके लिए बड़ा होने के लिए इसको कम से कम 2 जीरो को इसमें जरूरत पड़ेगा। तो ये हो जाता है 100 और फिर 00, तो यहाँ क्या बचता है 10^5/5310। ये हमारा 00 कैंसिल होता है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.88 × 10^5 और साथ में इसका जो आपको यूनिट बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलर। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्विंग है, आप इसको अपने सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पर ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे इसमें एक स्क्वायर से बोला जो कंडीशन हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसमें सिर्फ एक क्यूब के जैसा हुआ और ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया कि एक क्यूब के अंदर में उसके सेंटर में एक चार्ज रखा गया है तो एक सर्फेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो एक सर्फेस से कितने पास कर रहे हैं आपको फर्स्ट बताया 1/6 × Q/ε0। वो हमने यूज किया 1/6 × Q/ε0, क्यू के वैल्यू को एप्सिलॉन वैल्यू को डाला और ये कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया 1.88 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसका आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10^3 î न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर के लैंग्वेज में बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन î दिया हुआ है, हम इसको समझाएंगे व्हाट इज î। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वेक्टर प्लेन। पहले तो î को जरा समझिए। ये मान लीजिए हमने देखा हुआ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, x y और z। तो यहां पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 × 10^3, ये जो x एक्सिस है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम i कैप से डिपेंड करते हैं, y में j कैप से और z में k कैप से, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो x के अलोंग है, x के अलोंग इसका वैल्यू 3 × 10^3 आई है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन x के अलोंग। अब हमें क्या बोल दिया, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर का है ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की सभी साइड 10 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू y, प्लेन इज पैरेलल टू y प्लेन, y z प्लेन, ये है हमारा y z प्लेन, ये y z प्लेन कहता है यही पे वो स्क्वायर है, उस प्लेन इज पैरेलल टू y z प्लेन, जैसे ये इस तरह से, ये ये हमारे पास वो प्लेन है, ये स्क्वायर ये रहा स्क्वायर, जैसे अगर हमें बात करें इस स्क्वायर की तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्क्वायर इस तरह से वाई जेड प्लेन इस तरह से। तो हम उसको ऐसा ड्रॉ तो कर नहीं सकते क्योंकि जेड जो होता है वो इधर होता है इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल, और यहां पर ये प्लेन है इस तरह से वाई जेड प्लेन, ये स्क्वायर है इस तरह से। तो हमने इसको ग्राफ में इसको इस तरह से बनाया मगर इसका एक्चुअल फेस ऐसा होगा इस तरह से, और ये हमारा जो पेन है ये हमारा जेड एक्सिस इस तरह से, ये वाई जेड प्लेन में जो हमें रखा गया उसके पैरेलल। कहता है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड, इसके सारे साइड कितने दिए हुए हैं, वाई जेड प्लेन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये सभी 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है वाई जेड प्लेन। तो कहता है कि इससे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इससे टोटल व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि अगर हमारा ये प्लेन है इस तरह से तो उस प्लेन का डायरेक्शन आपको ये पता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, तो उसके सरफेस से बाहर की ओर, ये अगर प्लेन है इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप दिया उसका डायरेक्शन भी क्या है बाहर की ओर। तो अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस तरह से और जो हमारा एरिया वेक्टर है
जिसको आप डीएस बोल सकते हैं, वो भी बाहर की ओर। ये हमें बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। हमें पता है कि जब हम डॉट के साइन को हटाएंगे तो कॉस के साथ हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इस केस में देखेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो सिर्फ दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया ई, और ये हो जाता हमारा क्या डीएस। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये हमने बोला कि ई डीएस कॉस, और ये हो जाता है 0, और 0 की वैल्यू 1, ई बाहर निकल गया और हमने यहाँ पे दे दिया कितना डीएस। डीएस निकाला तो ये टोटल का टोटल एरिया निकल जाएगा, ई इंटू एरिया, ई इंटू टोटल एरिया। और अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू क्या दी है, तो 3 × 10³, और एरिया, एरिया में ये 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ भी 10, और ये हो जाएगा आप क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का, तो 10/100 तो सेंटी है, और यहाँ पर 10/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लेंथ इनटू विड्थ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 00 100 को कैंसिल किया, और यहाँ पर ये 3 है और ये 10 का स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 3 × 10 = 30, और उस 30 के साथ में आप यूनिट को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। ये क्या है टोटल, हमने एरिया के लिए लिखा, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ 10 सेंटीमीटर विड्थ भी 10 सेंटीमीटर, तो आपको चूंकि एमटीएस सिस्टम है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी का मतलब 10⁻², जिसको मैंने नीचे करके 100 ये सॉल्व किया, और सॉल्व करके आता 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जरा गौर से देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if normal to its plane makes 60 degree angle with the x axis, agar iske sath jo ye angle ye normal ban raha hai wo is x ke sath mein 60 degree ka angle bana raha hai, to isme zyada kuch khas nahi karna hai, ye jo aapko ye zero leke chala gaya tha jo wo parallel tha, is zero ko aapko 60 mein convert karna hai, jaise question number ye humne b maan rakha hai, iska answer ho jayega vector e dot vector ds, to ho jayega ye total flux, तो हो जाएगा phi is equals to e ds cos 60, और इसको पूरा सॉल्व हम कर चुके हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका वैल्यू आ रहा 30, दैट इज 30/2 is equals to 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पर एंगल इसमें बिल्कुल सेम डायरेक्शन था, तो 0, और सेकंड केस में बस एंगल को कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, वो गया 60, तो जहां पर आप cos 0 लिखे थे वहां पर आपको cos 60 पुट करके cos 60 के वैल्यू को पुट करना है, cos 60 के वैल्यू 1/2, और बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो हमारा आंसर जो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था वो हाफ होकर के क्या हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गॉस लॉ पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अभी तक इस चैप्टर में जितने पढ़ाई किए गए हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।